आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ पिगमेंटेशन की दो रेमेडी लेकर के आई हूँ। बैक टू बैक आपको इस्तेमाल करना है इसे 100% अपने चेहरे पे, और आपकी हाइपर पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन जो डार्क पैचेस हैं, डिसकलरेशन है, इवन टोन की प्रॉब्लम है अपनी स्किन में, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत तरीके की चीज़ें इस्तेमाल की हैं बट नहीं जा रही हैं, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। आपकी झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी और आपका स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत ही साफ सुथरा प्लस हेल्दी नज़र आएगा, बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो अंदर से निखार लाएगी, ग्लो करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेमेडी को बनाना। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आंवले की क्रीम किस तरीके से हम घर में बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों इस क्रीम को बनाने का। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक क्लीन बोल ले लेना है, एंड इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है आंवले का रस। तो आंवले का रस आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ऐड करना है दोस्तों। जितना हमारा पैक हमें बनाना है, जितने दिन के लिए आपको ये पैक बनाना है, उतना ही आपको यहाँ पे इस रस को ऐड कर लेना है, यानी कि आंवले के जूस को अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि ये मिक्सअप हो जाए। और 3 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे आंवले का जूस ले लिया है। इसके बाद आपको ऐड करना है विटामिन ई के 2 कैप्सूल। एंड लास्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है एलोवेरा जेल। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 100% प्योर काजमा एलोवेरा जेल। आप चाहें तो किसी अनदर ब्रांड का भी ले सकते हैं। सो 2 चम्मच के करीब आपको यहाँ पे एलोवेरा जेल ऐड करना है, और इसे तब तक आपको मिक्स करते रहना है जब तक कि इसका जो टेक्सचर है वो क्रीम में कन्वर्ट ना हो जाए। सो गाइस, हमारी क्रीम बनके यहाँ पे रेडी है। तो फर्स्ट हमारी क्रीम रेडी हुई है, अब हम सेकेंड स्टेप पे जा रहे हैं कि इसका पैक हमें अनदर किस तरीके से हम आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चेहरे के हाइपर पिगमेंटेशन एंड डार्क सन स्पॉट्स को दूर करने के लिए। तो हम इसे कर देते हैं सेपरेट और यहाँ पे ले लेते हैं एक अनदर बोल। सो गाइस, ये पैक बनाने के लिए आपको यहाँ पे लेना है नटमेग, यानी कि जायफल। जायफल जो कि हमारे स्किन के पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन प्लस डार्क सर्कल्स एंड डार्क स्पॉट्स को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और इसका असर भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छा होता है। सो गाइस, मैंने कुछ टाइम पहले जायफल की क्रीम आप लोगों के साथ शेयर की थी, जायफल का पैक आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसके बहुत ही अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स आए। लोगों ने कमेंट्स करके कहा कि जायफल इस्तेमाल करने से उनकी झाइयाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। सो गाइज, आज मैं जायफल का ये जो पैक लेकर के आई हूँ वो है आंवला जूस के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आपके स्किन में कितनी ही पुरानी झाइयाँ हैं, चाहे आपकी स्किन में प्रेगनेंसी के दौरान झाइयाँ हो गई हों, या बहुत ज़्यादा सन स्पॉट्स के कारण झाइयाँ हो गई हों, या बहुत ज़्यादा आप अगर एसिडिक हैं किसी चीज़ के, या बहुत ज़्यादा आप मेडिसिन लेते हैं उसकी गर्मी की वजह से आपके स्किन में झाइयाँ हो गई हो, उन सभी झाइयों को ये ख़त्म कर देगी जड़ से। तो गैस, आपको यहाँ पे एक जायफल लेना है, लेकिन आपको पूरा जायफल इस्तेमाल नहीं करना है। आप सबको पता है कि जायफल काफ़ी गर्म तासीर का होता है, ठंडिया है ठीक है, बट हमें इतना भी इस्तेमाल नहीं करना है कि हमारी स्किन छिल जाए या हमारे स्किन में रैशेज आ जाएँ। सो गाइज, आपको यहाँ पे पहले से ग्रेट कर लेना है, और थोड़ा सा ही आपको जितना आपको इस पैक में डालना है, मतलब उतना ही इसे अच्छे से ग्रेट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक ग्रेटर ले लिया है, और हम इसको एक चुटकी के लगभग, 1 पिंच जितना हमें यहाँ पे इसे ग्रेट करना है। सो देखिए गाइस, ये अंदर से कुछ इस तरीके से दिखती है, सुपारी की तरह। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे इतना ग्रेट कर लिया है, बस अब इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं लेना है।
इसके बाद आपको आंवला जूस इसमें ऐड करना है। पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम आंवला जूस इसमें ऐड करेंगे। सो गाइस, मैंने यहाँ पे लगभग 5 चम्मच आंवला रस लिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। एंड इसके बाद आपको लास्ट में ऐड करना है सैंडलवुड पाउडर, यानी कि चंदन का पाउडर। इसके बाद आपको इस अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो गाइस, मिक्स करने के बाद आपको इसे छोड़ देना है कम से कम 5 मिनट के लिए, ताकि ये फेस पे अप्लाई करने के लिए अच्छे से सेट हो जाए। मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है विटामिन सी युक्त आंवला गूसबेरी की क्रीम प्लस उसका फेस पैक। तो आपको ये दोनों ही चीजें रेगुलर अपने रूटीन में शामिल करना है और रेगुलर इसे यूज करना है। सबसे पहले आपको फेस पैक इस्तेमाल करना है अपने चेहरे पे, उसे क्लीन करने के बाद आपको डेली रात में सोने के पहले इस क्रीम को अप्लाई करना है अपने चेहरे पे, अच्छे से मसाज करना है, देन आपको सो जाना है, वॉश नहीं करना है। एस लाइक एक क्रीम आप यूज करते हैं तो वॉश नहीं करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसे इस्तेमाल करना है, वॉश नहीं करना है। नॉर्मली जब आप सुबह उठते हैं तब आप फेस वॉश कर सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी से भी अपने चेहरे को वॉश कर सकते हैं। तो इसको आपको डेली ही अप्लाई करना है, 1 वीक 7 डेज इसको अप्लाई करके देखिए। आपको कोई फायदा ना हो तो आप कहिएगा, डेफिनेटली आपके जो स्कार्स हैं वो भी यहाँ पे दूर होंगे, आपकी स्किन अंदर से हेल्दी और ग्लोइंग नजर आएगी, आपकी स्किन इंटरनली काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और सॉफ्ट हो जाएगी, प्लस आपकी स्किन की जो भी दाग धब्बे हैं वो बहुत तेजी से यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी। सो गाइज, इस क्रीम को बना के रखिए, आप इसे विद इन 1 वीक का या 15 डेज का बना के रख सकते हैं, और इस पैक को आपको डेली ही बनाना है। क्रीम आप एक बार बनाएंगे उसको यूज करेंगे डेली, लेकिन जो पैक है उसे आपको डेली फ्रेश बनाना है और फ्रेश ही इस्तेमाल करना है अपने चेहरे पे। सो आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल एंड यूजफुल लगी हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर से मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।